सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज हम ड्रॉ करने वाले महादेव शिव जी को, और इस ड्राइंग को मैं फ्री हैंडली करने वाला हूँ। तो मैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से नोटिस करो। और मैं यहाँ पर A4 साइज की ड्राइंग पेपर यूज कर रहा हूँ, और पहले पेज को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है ताकि आप लोग इजिली समझ सको कि कौन सी एरिया में कौन सी फीचर है। 4 पार्ट में किस तरीके से डिवाइड करना है पेज को वो आप लोग ध्यान से देखो। पहले तो पहले स्केल लेना है एक, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऊपर की तरफ 21 सेमी है, तो हमें यहाँ पर 10.5 सेमी पर एक मार्क करना है। सेम चीज़ अभी नीचे की तरफ भी करना है, अभी 10.5 सेमी पर एक मार्क करना है। और ऑपोजिट साइड्स में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 30 सेमी है, तो हमें यहाँ पर 15 सेमी पर एक मार्क करना है। और यह सेम चीज़ इस साइड में भी 15 सेमी पर एक मार्क करना है। और अभी इन मार्क्स को इस तरीके से मैच कर लेना है। तो अभी अगर आप लोग मेरे ड्राइंग को फॉलो करके आप लोग भी ड्राइंग करना चाहते हो तो आप लोग इजीली समझ सकोगे कि कौन से एरिया में कौन सी फीचर होगी। और अभी मैं इस ड्राइंग को पूरे फ्री हैंडली करने वाला हूँ, तो मैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से नोटिस करो। और अभी मैं महादेव जी की फेस कितना तक आएगी उसको ऑब्जर्व करके ऊपर की तरफ एक मार्क कर रहा हूँ और नीचे की तरफ एक मार्क कर रहा हूँ। तो मेरे मानना है कि इसके अंदर शिव जी की फेस आएगी। तो मैं यहाँ पर एक एलिप्स या फिर एक सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूँ, और जितना हो सके पेंसिल को दूर से पकड़ना है और एकदम लो पे से अप्लाई करना है ताकि आप लोग रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके एक रफ स्केच को बना सको। क्योंकि अभी आप लोगों को या फिर मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि हाँ यहाँ पर ये फाइनल आउटलाइन हो सकता है। तो जितना हो सके लो पे से अप्लाई करके और पेंसिल को दूर से पकड़ के इस तरीके से एक रफ स्केच को बना लेना है। और अभी मेरे मानना है कि यहाँ पर नोज आएगी, यहाँ पर ये आईज की लाइन है, और यह पर आईब्रोज आएगी, और यह पर यह चीक की लाइन है। और अभी मैं इसके अंदर फेस की फीचर्स को ऐड करते जाऊंगा। तो पहले फेस की जो स्ट्रक्चर है वो मैं ड्रॉ कर लूँगा, देन मैं आईज, नोज, लिप्स वो सब मैं ऐड करते जाऊंगा। और मैं आप लोगों को ये बात फिर से बोल रहा हूँ कि अभी आप लोगों को जस्ट एक रफ स्केच को बनाना है बार बार एक ही लाइन को ड्रॉ करके। आप लोग देख भी सकते हो मैं बार बार एक ही लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। और जब आप लोगों को लगेगा हाँ ये फाइनल लाइन हो सकता है, तब उसमें आप लोग ज़्यादा पेसर अप्लाई करके सेटिंग कर सकते हो और बाकी लाइंस को इरेज कर सकते हो। तो बस अभी आप लोग ध्यान से देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, देन आप लोगों को एकदम से क्लियर हो जाएगी एक्चुअली आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है। और वीडियो उतना भी फास्ट नहीं है गाइस, मैं बहुत ही स्लो करके अपलोड किया हूँ, आप लोग वीडियो को इजीली देखकर भी कर सकते हो। बट इतना फास्ट करने की कोशिश मत करना गाइस, मैं इतना फास्ट नहीं किया हूँ। मुझे ये ड्राइंग करने में 40 या फिर 50 मिनट्स का टाइम लगा था, और आप लोग ये ड्राइंग ऑलमोस्ट 11 मिनट में देख रहे हो, तो उतना भी ये रियल टाइम में नहीं है। तो गलती से भी इतना फास्ट ट्राई करने की कोशिश भी मत करना। चलो अभी मैं किस तरीके से कर रहा हूँ प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझो। Enjoy the video.
तो बस गाइस अभी आप लोग देख सकते हो रफ स्केच कंप्लीट हो गई है और अभी आप लोग इसके ऊपर फाइनल आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हो प्रेशर अप्लाई करके। तो बस गाइस ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोग समझ गए हो कि किस तरीके से आउटलाइन को ड्रॉ करना है। और अभी आप लोग नीचे कमेंट करो कि मैं इस ड्राइंग को पेंसिल स्केच में करूं या फिर ऑयल पेस्टल में करूं। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।